सवाल हम आपके सामने रखते हैं, फिर मेहमानों से परिचय कराकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। नगर निगम दिल्ली में 16 नई लैंडफिल साइट बनाने के आरोपों का पूरा सच क्या है, ये तो जानना जरूरी है, और वो 16 जगह कौन सी हैं जिसकी बातें हो रही हैं। कूड़े के पहाड़ को लेकर आप बनाम बीजेपी क्यों? अगर आप दिल्ली सरकार में हैं और वो एमसीडी में है तो तालमेल तो बहुत जरूरी था। सेंटर की ग्रांट का भी जिक्र हुआ, उसकी भी इनसाइड स्टोरी बताएंगे। एमसीडी चुनाव की आहट से कूड़े पर राजनीति गर्मा गई है, कूड़ा इतना प्यारा क्यों हो गया है? क्योंकि अगर आप सरकार में हैं, वो एमसीडी में है, तो कूड़ा तो पहले भी था और हर दिन ये कूड़ा बढ़ा है, रोजाना बढ़ा है, फिर ये आज अचानक से इतना ज्यादा चर्चा में कैसे आ गया है? तीनों लैंडफिल साइटों पर कुल 27.6 मिलियन टन कचरा पड़ा हुआ और सालाना बढ़ रहा है, फिर ये आज अचानक से कैसे नजर आया? ये एक मूल सवाल। रमेश जी, मैं आपसे इसकी शुरुआत करूंगी। कूड़ा सामाजिक मुद्दा है, बहुत शॉर्ट में आप जरूर बताइएगा कि ये हमारी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदायक है, फिर इन सियासतदानों से समझेंगे कि ये वाकई हमारे लिए संजीदा है या सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। रमेश जी नमस्ते। जी जी नमस्ते मैम। ऐसा है, कूड़ा हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही घातक है और आज से नहीं है, हमें लगता है कि दिल्ली में वर्षों से चला रहा है और दिल्ली की सरकार इस पे कोई भी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, उस पे फोकस नहीं करती है। आमतौर पर घर से निकलते ही या गड्ढा भी कूड़ा का रूप ले लिया है और बड़े बड़े कूड़ा के ढेर है। इससे होने वाली बीमारियों पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। प्लीज। जब बारिश का ये मौसम जो है, इस मौसम में जैसे ही बारिश होती है, बारिश होने से हमारे कूड़े के अंदर एक बैक्टीरिया जन्म लेती है, जो बैक्टीरिया पानी के माध्यम से हमारे शरीर में किसी न किसी रूप से प्रवेश कर जाती है। ठीक है। उससे हमारे लीवर से होने वाली कई सारे, आपने देखा होगा, हेपेटाइटिस हुआ, जॉन्डिस हुआ, डायरिया, ये सारी बीमारियां जन्म लेती है। इसके साथ साथ कूड़ा के अंदर से जो वायरस निकलता है, जब बारिश में वायरस जब बनता है बारिश के चलते, वह वायरस हमारे शरीर में वायु के माध्यम से, जो हम श्वास लेते हैं, उस वायु के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है और डायरेक्ट हमारे लंग्स के ऊपर इफेक्ट करता है, जिससे लंग्स से होने वाली कई सारी बीमारियां हमारी जन्म लेती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि चाहे हमारे घर के पास छोटा सा गड्ढा हो, उसमें अगर कूड़ा जम रहा है, उसे भी हमें देखना है। सरकार तो देखे ही, साथ साथ हम अपने जनता से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि बारिश का मौसम है, प्लीज अपने आसपास के कूड़े को तो कम से कम साफ रखें। और सरकारों से मेरी आग्रह है कि तू मैं ना करके जो जहां से भी हो, ठीक है, कोशिश करें कि तारीख कूड़े का ढेर ना लगे। ठीक है, मैंने नहीं, आप रहिएगा, अभी हम आपसे और बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत इस वजह से आपसे करनी जरूरी थी ताकि हमारे नेता जो है इस बात को समझें कि वो जिस मुद्दे पर बातें कर रहे हैं वो हवा हवाई ना रहे, उस पर सच में काम हो, और कितना काम हुआ है, कितनी बातें हुई है, ये हम समझेंगे।